गाने वाले हरिओम शरण का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है जो घर घर में पीढ़ियों से सुना जा रहा है। भजन के बोल हैं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ठीक इसी भजन की तरह, जब राजनीति में बेड़ा पार होने में वोटर का मन उदास दिखता है तो राम नाम का सहारा आ जाता है, जैसे हरियाणा में आया। जब सुप्रीम कोर्ट में आज तिरुपति के लड्डू विवाद में अदालत कहती है कि कम से कम भगवान को राजनीति में मत खींचिए, तब उसी वक्त हरियाणा के चुनाव प्रचार में धर्म के नाम पर ही वार होते हैं। प्रचार के आखिरी राउंड में जब राहुल गांधी हरियाणा में बहन प्रियंका के साथ प्रचार करते हैं, सारे कील काटे दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। यही वजह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ जोड़कर हाथ से हालात हरियाणा में बदलना चाहते हैं। लेकिन जब राहुल शैलजा और हुड्डा का हाथ जोड़कर जिताऊ साझेदारी चाहते हैं, तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा में बीजेपी के लिए धर्म के पिच पर तेज बैटिंग शुरू करते हैं। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम की संस्कृति को कोस रहे हैं, यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है। राम, रोम, एक्सीडेंटल हिंदू, भगवान ने कांग्रेस से मुंह मोड़ा, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा, आखिर एक साथ इतने बार धर्म के धनुष पर सियासी बयानों की प्रत्यंचा चढ़ाकर योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कांग्रेस पर क्यों किए? ये कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वह कोड के लिए होनी चाहिए। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले पढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा। एक साथ इतने बार की वजह समझिए, 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट इस बार 2024 में 12% हरियाणा में घटा, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का वोट 15.3% तक बढ़ा। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और वोट खींचने वाले नेता नरेंद्र मोदी, तब बीजेपी के लिए चिंता की बात ये सामने आती। 2019 में जहां 10 लोकसभा सीट हरियाणा में जीतने के कुछ ही महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी केवल 36.5% वोट और 40 सीट पाई थी। 2019 में तब पहलवान, किसान और जवान के मुद्दे भी नहीं थे, तब 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, अब ये 10 साल की हो चुकी है। यानी 2019 में जो मुश्किल हालात थे वो अब क्या और बड़े हो चुके हैं, और तब धर्म के दांव से ही बीजेपी चक्रव्यूह तोड़ सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत के अंदर शासन की, सुशासन की व्यवस्था का आधार कोई बन सकता है तो मात्र राम राज्य हो सकता है, राम राज्य। और उस राम राज्य को जमीनी हकीकत पर लाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा,
धूमधाम से हुआ। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची है, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, जबकि यूपी का चुनाव 2027 में होगा। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ हरियाणा में प्रचार करने पहुंचते हैं, धर्म और जाति के कार्ड आमने सामने आने लगते हैं, जहां कांग्रेस नेता ये दावा करने लगे कि यूपी में ब्राह्मणों का अपमान जारी है। आ गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व। एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बड़ा होगा। अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बड़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं, आया था यहाँ जलसा करने हरियाणा में। मैंने पूछा, अजय सिंह बिष्ट अपना नाम तो असली बता दिया करो, जो माँ बाप ने दिया था, कम से कम अपने आप को आदित्यनाथ। केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। आप बिल्कुल कोई वस्त्र धारण ना करो जैन मुनियों की तरह, पर अगर आपका आचरण न्याय का है, अगर आपका आचरण सच्चाई का है, तो आप भगवा धारण करोगे। इनके राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं ये, और जो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जा। उत्तर प्रदेश में हर जाति धर्म मजहब के लोग पूरी तरीके से योगी सरकार से आश्वस्त हैं। योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के एजेंडे पे काम कर रही है। हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं, आप सब देखेंगे कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों के साथ जीत हासिल करेगी। कांग्रेस को क्या जवाब देंगे इस बयान पर, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि भगवा पहनने से कोई भगवादारी नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी को जनता खुद ब खुद जवाब दे देगी। योगी जी हमारे संत हैं, उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है, और वो सफलतापूर्वक जो ये संवैधानिक दायित्व है इस दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का उनके नेतृत्व में विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो एक बीमारू अर्थव्यवस्था, बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में योगी जी के नेतृत्व में जाना जाता है। इस प्रकार की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं ये हमारी संत परंपरा है, उसके बारे में जो कांग्रेस की सोच है ये प्रदर्शित होती है। योगी आदित्यनाथ जब हरियाणा में प्रचार करने पहुंचने वाले होते हैं, उससे ठीक पहले रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के चुनाव में यूपी के ब्राह्मणों की चिंता जताते दांव चलते हैं। दरअसल हरियाणा में करीब 8% ब्राह्मण वोटर है, जो 90 सीटों वाली विधानसभा में करीब 10 से 12 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि दर्जन भर सीटों पर ब्राह्मणों का वोट कांटे की लड़ाई में अहम साबित हो सकता है। यही कारण है कि बीजेपी ने चुनाव में 11 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने केवल 5 ब्राह्मणों को मैदान में उतारा है। ऐसे में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने यूपी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। अगर बात यूपी की करें तो यहां भी करीब 10% ब्राह्मण है। कांग्रेस ने जाति वाला दांव चलकर सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा है।